नमस्कार, स्वागत है आपका आईवी टीवी के स्पेशल शो एडुकेशन फाइल में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस शो में हम आपको एडुकेशन से जुड़ी खबरें बताएंगे क्योंकि शिक्षा है जरूरी। आज खबर में हम आपको बताएंगे कि आठवीं पास और दसवीं पास छात्रों के लिए नौकरी करने का है सुनहरा मौका और पटना मेट्रो में नौकरी करने के लिए जो लोग बहाली का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे में आठवीं पास, दसवीं पास और बारहवीं पास के लिए सुनहरा मौका है और उन्हें नौकरी मिल सकती है और सैलरी 55,000 से 56,000 तक मिलेगी। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है rrcpryi.org। आपको बता दें, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अभी भी जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की तारीख 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर है। जो आवेदन पत्र जमा करना चाहते हैं उन्हें आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ₹100 देना होगा। वहीं एससी एसटी और महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क है। इस नौकरी के लिए आवेदन 15 साल से 24 साल तक के अभ्यर्थी कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 50% अंकों के साथ 10+2 पास करना होगा और अधिसूचना में कहा गया है कि आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 8वीं के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, बीएसएफ ने भी स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल के 269 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं और इन पद पर भी 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 9 अगस्त यानी कल से शुरू हो चुका है। इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समक्ष परीक्षा पास होने चाहिए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघों या भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें, कैंडिडेट्स को किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हर महीने 21,700 से लेकर 69,100 रुपए सैलरी और अन्य अलाउंस दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 22 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो चलाने की योजना पर काम शुरू है। पटना में मेट्रो परियोजना का 2 कॉरिडोर बनाया जाएगा और अब पटना मेट्रो में वैकेंसी निकली है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि पीएमआरसी ने एजेंसी के माध्यम से मैन पावर बहाली प्रक्रिया शुरू की है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से ऐसी एजेंसी को हायर करने के लिए निविदा जारी की गई है जो पटना मेट्रो के लिए मैन पावर की आपूर्ति करेगी। कुल 22 पदों पर एजेंसी के माध्यम से लोग रखे जाएंगे। इसमें ड्राफ्ट मैन से लेकर आईटी एग्जीक्यूटिव स्तर के कर्मचारी होंगे। एमआरसी ने इसके लिए वेतन भी निर्धारित कर दिया है। तो ये थी आज के एडुकेशन से जुड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहे एडुकेशन फाइल। हम यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। धन्यवाद।